हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, बहुत खुश होंगे, अच्छे से होंगे और बहुत मजे कर रहे होंगे। आज बेसिकली ना जिनमें मतलब सीधे ऑफिस से आए, उन्होंने मुझे बोला कि दे सम सरप्राइज, सम सॉर्ट ऑफ सरप्राइज फॉर मी, और मैं बस अच्छे से जल्दी से रेडी हो जाऊँ और फिर हम लोग चलते हैं। तो इसलिए मैं रेडी तो हो गई हूँ। और तो अब हम कहीं जा रहे हैं जिसके बारे में अभी तक मुझे आइडिया नहीं है, बट हम ऑलमोस्ट निकलने वाले। तो उस टाइम पे मैं वो कुछ अभी काम कर रही, तो आई थॉट कि ठीक है मैं थोड़ा सा ब्लॉग कर लेती हूँ। और प्लस मैं इसलिए भी ब्लॉग कर रही थी क्योंकि हम यहाँ से ना जहाँ भी जा रहे हैं, फिर उसके बाद फिर अपने सीधे डायरेक्टली घर निकलने वाले हैं। हम आगरा जा रहे हैं बेसिकली। सो मैं मतलब बहुत ऐसे मिस करने वाली थी, बिकॉज ठीक है ये हमारा जो है अभी रेंटेड अपार्टमेंट है, बट ऑब्वियसली आपका घर होता है, जहाँ आप रहते हो वहाँ से आपके ऐसे इमोशंस जुड़ जाते हैं। तो दिवाली पे सब लोग अपने घर होंगे, तो हम इस घर को ऐसे छोड़ के जा रहे थे, तो मुझे ना और यहाँ पे पूरी लाइटिंग वाइटिंग सब हो रखी थी, तो मैं ऐसे मतलब बहुत ऐसे इमोशनल फील कर रही थी कि हाय मैं अपना घर बंद करके जा रही हूँ, लाइक उस तरीके से। तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है ब्लॉग कर लेती हूँ, फिर ऐसे मैं दिवाली वाले दिन अपना ब्लॉग देख लूंगी कि मेरा घर कैसा लग रहा था। तो हमारी ऑलमोस्ट दिवाली की पूरी पैकिंग वैकिंग हो चुकी है, तो हम बस ही हम लोग ना बहुत ही मिनिमल ऐसे कपड़ों के साथ और ऐसे सामान के साथ चले जाते हैं, क्योंकि हमारा बहुत सारा सामान वहीं रखा रहता है। सो ये दोनों के सिर्फ ऑफिस बैग है और दोनों का मिला के सिर्फ एक ये सूटकेस है, दैट्स इट। एंड वी आर गोइंग फॉर 7 to 8 days, हमारे सिर्फ इतना ही सामान है। एंड अभी फिर हम लोग बस निकल ही रहे हैं। और मैं आपको बता दी कि मैंने एक ब्लॉग से स्टार्ट किया था क्योंकि मेरा ऐसे बहुत मन था कि आप लोग मेरी ना ऐसे बालकनी देखो, और हम यहाँ पे दिवाली पर नहीं होंगे, बट स्टिल मैं जाती हूँ, मैं आपको बालकनी दिखाऊंगी। इतनी सुंदर लग रही है, इतनी प्रिटी लग रही है। और पता है मेरा ऐसे बहुत मन था कि पता है यहाँ पे मेरे कुछ फोटोज क्लिक हो जाए, बट हो नहीं पाई क्योंकि हम लोग थोड़े से लेट हो गए। एज यूजल आपको पता ही है, अगर आप मेरे एक दो ब्लॉग भी देख रहे हो ना, आपको पता होगा कि मैं हर जगह सिर्फ लेट ही लेट होती हूँ, मैं कहीं टाइम पे नहीं पहुंच सकती। तो अभी भी हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो मैंने सोचा इडली ब्लॉग में तब को बालकनी दिखा दूँ। यार देखो यार, यहाँ से दिखाओ यार, सी पूरी बालकनी लो यार मेरी, दिस इज सो ब्यूटीफुल। मतलब आई एम टेलिंग यू 100% की वीडियो और फोटो में कुछ जस्टिफाइड नहीं होता, कुछ भी जस्टिफाइड नहीं होता। ये इतनी सुंदर लग रही है ना, मतलब ओह माय गॉड, जस्ट लुक एट इट गाइस, दिस इज सो ब्यूटीफुल। मतलब मेरे को तो ऐसे बालकनी में ना इस टाइम आने में जाने में सब इतना सुंदर लग रहा है ना ये। और मैं आपको दिखाती हूँ बाकियों का भी दिखाती हूँ, मतलब सराउंडिंग्स भी बहुत प्यारी लग रही है यार। व्हाट अ दिवाली मैन, सी सबका घर कितना डेकोरेटेड है, देखो उधर भी दिखाती हूँ। ये हमारे घर के नीचे से पार्क है, तो सब लोग इसे पूरे टाइम खेलते रहते हैं। ये देखो पीछे वाले आंटी का घर भी कितना प्यारा लग रहा है, और ये देखो इससे सामने, ये भाई ऐसे फोन पे बात कर रहे हैं, ये पूरा बहुत प्यारा से डेकोरेटेड है। तो बलून्स भी लगा रखे हैं देखो, ओ सो क्यूट। ये इनका जो डॉगी है वो असली वाला या हाँ जो खिड़की में है, हाँ ये असली वाला डॉगी है। हाँ ये ऐसे शो पीस नहीं है, जैसे रियल डॉगी या शो पीस है, आई डोंट नो, मुझे ऐसे वीडियो में नहीं समझ में आ रहा है, बट आई जस्ट नो कि बहुत प्यारा लग रहा है। लेकिन मुझे तो ऐसे छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता। दिवाली तो वहाँ होनी चाहिए जहाँ आपकी फैमिली होती है, और हमारी फैमिली तो आगरा है, और जहाँ पर हमारी फैमिली होगी तो हमें भी तो वहीं होना चाहिए ना। सो बट नहीं, अब मुझसे ना रुका नहीं जा रहा। अब ठीक है मैं थोड़ा सा लेट हूँ, बट फिर भी एटलीस्ट 2-4 फोटोज तो यहाँ पे क्लिक करा के ही जाऊँगी। मेरी खुद की बालकनी इतनी सुंदर लग रही है ना, थैंक्स टू द आंटी जो उन्होंने हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे, एक आंटी रहती है उन्होंने एक्चुअली यहाँ पे ये पूरी लाइटिंग करवाई है, पूरे 4 फ्लोर पे, लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अब बस हम लोग निकल रहे हैं, और वो जहाँ पे भी जिनमें का सरप्राइज है, सो मतलब सरप्राइज कैसे भी हो यार अच्छा ही होता है। मैं उसके अब जब वो बोल रहे थे आधे घंटे का रास्ते, सिर्फ आधा घंटा लगेगा मैं वहाँ पर पहुँचने में, उसके बाद फिर हम आगरा निकल जाएंगे। तो जो भी उनका सरप्राइज है लेट्स सी। और मैं तो सरप्राइज के नाम पे ही से खुश हो जाती हूँ कि यार मेरे लिए कुछ किया है तो अच्छा ही होगा। सो आई एम ऑलरेडी वेरी एक्साइटेड। फिर मैं वहाँ पहुँच के बताती हूँ कि यार क्या था, कैसा था, जो भी था, लेट्स सी, लेट्स जस्ट सी, स्टे ट्यून्ड। सो दिस वाज द सरप्राइज, सो वी हैव केम टू गोल्डसुख मॉल, गोल्डसुख मॉल ऑफ गुड़गांव। सो बेसिकली दिस मॉल इज वेरी मच स्पेशलाइज फॉर ज्वेलरीज ओनली, एंड टुडे इज धनतेरस, सो देयरफॉर वी हैव कम हियर। मैं एक बार आपको दिखाती हूँ अंदर से। सो दिस इज बेसिकली द गोल्डसुख मॉल, एवरी पॉसिबल लोकल और ब्रांडेड ज्वेलरी शॉप इज हियर। ये पूरा मॉल ही ज्वेलरी शॉपिंग के लिए फेमस है बहुत ज़्यादा। जॉय लुकास, कल्याण एंड एवरी पॉसिबल ब्रांड, तनिष्क एंड एवरी थिंग विच यू कैन सी इज हियर ओनली। इनफैक्ट हमने अपनी पूरी शादी की जो शॉपिंग की थी ना, वो भी हमने, एंड यू जस्ट सी द रश ओवर हियर, तनिष्क एवरीवन फेवरेट।
बहुत बहुत भीड़ है भाई यहाँ पे, पूरा मॉल भरा पड़ा है। एंड पार्किंग में तो मैं आपको ना लौट से मैं सीन दिखाऊंगी भाई, पार्किंग सीन्स तो बहुत स्कैरी थे, काफ़ी स्कैरी, लाइक इतनी भयंकर हो रखी है यहाँ की पार्किंग की बस पूछो मत। दूरी लाल, ओ माई गॉड, सो प्रिटी थी। अब पता है यहाँ पे ना काफ़ी ऑफर्स टाइप भी चल रहे हैं, किसी पे 20% मेकिंग चार्जेस पे ऑफ, किसी पे कुछ ऑफ, किसी पे, एंड यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए भी ना काफ़ी सारी स्टॉल्स लगी हुई है, मे बी शायद दिवाली पर्पज से ही लगी हुई है, बट इफ यू वांट टू चेक टिल दिवाली यू कैन डेफिनेटली चेक फ्रॉम हियर। बहुत ही प्यारे प्यारे लक्ष्मी जी, गणेश जी, और ये मेरा फेस है जो फाइनली एक घंटे की मेहनत के बाद मुझे कल्याण पे कुछ बहुत ही प्रिटी सा पसंद आ गया था, तो ये उसकी खुशी है। गाइस गुड मॉर्निंग, सो टुडे इज अनदर डे, और कल ना मैं गोल सुख बॉल के बाद, जैसे हम पूरा आगरा तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि कल मैं ही खुद ही ड्राइव कर रही थी, तो जब मैं खुद ही, और मैं पूरे रास्ते मैं ही लेके आई थी, तो अब जब मैं ही ड्राइव कर रही थी तो फिर तो मैं कैसे ही ब्लॉग करती। फिर हम कल लेट भी काफ़ी हो गए थे, आई वी रीच्ड एट ऑलमोस्ट 1:32 के आसपास हम पहुंचते, अब रात के 2 बजे, फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, इनफैक्ट खाना भी हमने घर ही आके खाया था क्योंकि हम इतना लेट हो गए थे तो हमारा कहीं रास्ते में रुकने का मन नहीं था बिल्कुल, तो फिर हमने घर आके ही खाना वाना अपना खाया। अब हमारी चल रही है दिवाली की सफाई, हम लोग कल ही आए थे तो हम अपना ऐसे साफ सफाई कर रहे हैं, ये नीचे वाली शेल्फ मैंने करी थी, ऐसा नहीं है यही कर रहे हैं, ऊपर वाली में मेरा ठीक से हाथ नहीं आ रहा था, तो क्योंकि ऐसे यहाँ पे खड़े हो तो मेरा यहीं तक आ पा रहा था, तो इसलिए बाकी के ऊपर की ये कर रहे हैं। सी से हाय टू द व्लॉग, हेलो। फिर हम लोग को सोते सोते हो गए थे, सुबह के 5 बज गए थे हम, मतलब सोते में ही, तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं बातें बाकी जितनी भी होगी ना वो सुबह करूँगी, और इट वाज अ गुड टाइम, मतलब पता है कल वहाँ पे बहुत भीड़ भी थी और अच्छा भी था, बट ना हमें कुछ पसंद भी आया था, बट उसमें ना कुछ प्रॉब्लम हो रही थी कि उसमें ना 29% मेकिंग चार्जेस लग रहे थे, मतलब 29% मेकिंग चार्ज तो बहुत ज़्यादा होता है, तो हमने वही सोचा कि अभी अपने होल्ड पर रखा हुआ है जो हम कल पसंद करके आए हैं, और उसके बाद मतलब एक रिंग पसंद करी थी हमने, बहुत प्यारी रिंग है, लेकिन अब भी हमारे दिमाग में और ऑप्शंस भी, हमने और अभी एक्सप्लोर नहीं किया है, तो वी वर थिंकिंग हम पहले उनको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं, देन वील सिलेक्ट कि आज भी अच्छा देना, लाइक छोटी दिवाली है तो हम आज भी खरीद सकते, तो हम आज वहाँ क्या, हमने मतलब दिवाली पे दिवाली का सामान वामान एक्सचेंज किया, ऐसे देखा कि हमें ऑफिस से क्या मिला, हमने वो मम्मी पापा को दिखाया, फिर मम्मी पापा ने दिखाया कि उन्होंने सबको क्या दिया है, क्या सबके यहाँ से आया, वो सब दिखाया, बहुत सारी बातें की, बहुत सारे मज़े किए, उसके बाद फिर हम सुबह 5 बजे सोए, एंड पूरा कल पता है मतलब इट वाज अ वेरी, कल फर्स्ट टाइम था ऐसा कि मैंने इतना लॉन्ग ड्राइव किया था, लाइक 3.5 घंटे पूरा टाइम, मतलब पूरा 280 किलोमीटर मैंने चलाया था, ये पहली बार हुआ था, जनरली मैं 40-50 किलोमीटर चलाती थी, बट 280 किलोमीटर मैंने खुद पहली बार चलाया था, आई वॉज वेरी हैप्पी, इट वॉज अ बिग 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 अचीवमेंट फॉर मी, मतलब एक होता है ना एक सेल्फ अचीवमेंट आपकी कुछ ऐसे टिक्स, सो दिस वॉज माई टिक कि हाँ भाई मैं पूरे रास्ते गाड़ी मैं ही चला के ले गई, पूरे रास्ते मैंने ड्राइव किया, सो इट वॉज अ वेरी वंडरफुल डे, तो मैं कल बहुत खुश थी, इसलिए ही मैंने ये सुबह का ब्लॉग किया था कि, और मैं मतलब अपने दोस्तों को ऐसे सबको बताती हूँ कि यार मैंने कल बहुत अच्छी ड्राइव की थी और पूरे बहुत लंबी ड्राइव की थी, वेरी क्वाइट एक्साइटेड, वेरी हैप्पी, इनफैक्ट वेरी 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 हैप्पी। सो आज है छोटी दिवाली, तो आज देखते हैं हम कैसे मनाएंगे, अभी सुबह तक का तो ये हो गया, हैप्पी धनतेरस गाइस, आई होप कि आपके धनतेरस बहुत अच्छा गया होगा, और एंड हैप्पी दिवाली टू, वैसे तो मैं भी आने वाले 3 दिन में आपको हैप्पी दिवाली विश करती रहूँगी ताकि आपकी दिवाली बहुत 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 हैप्पी होती रहे, बाय।